वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम सब टेंस के बारे में देखेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम डेफिनेशन ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस एंड जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस होते हैं उनके टाइप्स को भी ठीक से समझेंगे। तो यह लेक्चर पूरा का पूरा टेंस पर केंद्रित है। पहले डेफिनेशन देखते हैं टेंस का। टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब का यह फॉर्म होता है, रूप होता है टेंस, जिसका प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फॉर्म का प्रयोग किया जाता है किस लिए? टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ द वर्ब। क्रिया के कार्य करने के समय को प्रदर्शित करने के लिए जिसका यूज किया जाता है फॉर्म को, उसको कहते हैं टेंस। टेंस का यह स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। टेंस वर्ब का फॉर्म होता है जिस फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्रिया के काम करने के समय को प्रदर्शित करने के लिए। क्रिया ने किस समय काम किया, तो आप जानते हैं बखूबी कि समय तो तीन ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगर क्रिया ने प्रेजेंट में काम किया तो प्रेजेंट टेंस होता है, क्रिया ने पास्ट में काम किया, क्रिया प्रदर्शित करती है कि पास्ट में काम हुआ, पास्ट टाइम को प्रदर्शित करती है, तो पास्ट टेंस, और फ्यूचर को तो फ्यूचर टेंस। फिर से टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का एक फॉर्म है दैट इज यूज, जिसका प्रयोग करते हैं टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब के एक्शन के समय को प्रदर्शित करने के लिए कि वर्ब का जो एक्शन हुआ वो किस टाइम में हुआ, इसको प्रदर्शित करने के लिए वर्ब के जिस फॉर्म को यूज करते हैं उसी फॉर्म को कहते हैं टेंस। मतलब टेंस क्या हो गया? इक्वल टू फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब का फॉर्म तो को पता है, एक वर्ब ले लेते हैं। वर्ब जैसे हो जाएगा राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, इसका थर्ड फॉर्म रिटेन, इसका फोर्थ फॉर्म राइटिंग, इसका फिफ्थ फॉर्म राइट्स। तो ये जो फॉर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5, यह सब दिखाता है कि क्रिया किस टाइम पे हो रही है, इसलिए इनको कहते हैं टेंस। इन फॉर्म्स को ही टेंस कह देते हैं। आप डेफिनेशन बस समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, एवरी डे कोमल मेक्स ब्रेकफास्ट एवरी डे। कोमल प्रतिदिन ब्रेकफास्ट बनाती है। यहाँ पे एक प्रेजेंट टाइम का इससे बोध होता है, जो काम रेगुलरली करते हैं ना, रोज रोज करते हैं, रूटीन में करते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। कोमल मेड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, यहाँ पास्ट हो गया कि कल बनाई थी, तो यहाँ पे पास्ट टाइम का बोध हो रहा है, तो इसलिए पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे टुमोरो है, टुमोरो मतलब आने वाला कल। कोमल विल मेक ब्रेकफास्ट टुमारो, कल बनाएगी, तो ये फ्यूचर, मतलब ये बनाई नहीं है, बनाएगी। फ्यूचर टाइम, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, टाइम के आधार पर टेंस का अब भेद देखते हैं। टेंस का भेद हो जाएगा तीन। प्रेजेंट टाइम वाला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम वाला पास्ट टेंस, फ्यूचर टाइम वाला फ्यूचर टेंस। हिंदी भी सबका लिखा हुआ है। तो काइंड्स ऑफ टेंस, अ टेंस कैन शो एक्शंस हैपनिंग इन थ्री डिफरेंट टाइम्स। टाइम्स तीन ही होता है, समय तीन ही होता है, या तो प्रेजेंट समय होता है, या पास्ट होता है, या फ्यूचर होता है। तो टेंस किस टाइम में हो रहा है इसको दिखाता है टेंस। हाँ, किस टाइम में हो रहा है वर्ब दिखाता है, और उसके आधार पर इट कैन टेक थ्री फॉर्म्स। तीन फॉर्म होता है टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस का कितना टाइप हो गया? फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहां देखा टेंस का डेफिनेशन, और यहां देखा टेंस का काइंड्स या टाइप्स। टेंस के काल के प्रकार, काल के तीन प्रकार, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, भूलना नहीं। अभी दो स्लाइड में खाली इतना याद रखना आपको कि टेंस का तीन प्रकार, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नाउ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? The present tense of a verb indicates a state or an action that happens in the present time. क्या मतलब है? Present tense में, present times में होता हुआ क्या रहेगा? एक state रहेगा। State मतलब क्या होती है? अवस्था।
ठीक है, या एक्शन, एक्शन मतलब क्या, कार्य। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि वर्ब इंडिकेट करेगा, सूचित करेगा कि कोई अवस्था या कोई कार्य होता है प्रेजेंट टाइम में। तो कोई अवस्था या कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में होगा तो उसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। अभी अवस्था क्या, जैसे अभी यहां लिखा एक सेंटेंस, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे क्या, मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये मेरी अवस्था है कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे ये जो हो अवस्था है यह प्रेजेंट टाइम में है, मैं अभी भी हूँ, तो इसको बोलेंगे स्टेट। और फिर एक्शन मतलब कार्य, कार्य अगर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो उसे प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जैसे कि आई लिव इन चेन्नई, मैं रहने का कार्य कर रहा हूँ कहाँ पे, चेन्नई में। तो ये जो कार्य हो रहा है रहने का, अभी भी मैं चेन्नई में रह रहा हूँ, इसलिए यह क्या होगा, प्रेजेंट टाइम में होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। रीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रीमा एक सॉन्ग गा रही है, तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट का एक्शन हो गया, दोनों एक्शन हो गया। और यहाँ पे यह हो गया स्टेट। तो कोई स्टेट या कोई एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स स्टेट और एन एक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। आप क्या समझते हैं, हिंदी में कैसे समझेंगे, सेंटेंस के अंत में है होता है, हूँ होता है, हाँ हो होता है, ये सब होता है, तो आप ये बखूबी जानते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस का ही होता है। और जो भी हिंदी निकालेंगे उस सब में यह सब रहेगा। तो जिधर सेंटेंस के अंत में ये सब वर्ड रहेंगे, है भी होता है, जो बहुवचन होता है तो हो हूँ है रहे, तो आप उसे प्रेजेंट टेंस मानेंगे। अब नाउ प्रेजेंट टेंस के प्रकार, प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार देखिए। टेंस के हमने क्या देखा, तीन प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों का चार चार प्रकार होता है। पहले प्रेजेंट का पढ़ ले, तो प्रेजेंट के चार प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी बता रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, चाहे हाँ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं सिंपल प्रेजेंट को। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, कंटिन्यूअस का स्पेलिंग याद रखिए, CONTI न्यूअस, NUOUS न्यूअस, न्यूअस करके पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, लेकिन ये न्यूअस उच्चारण करते हैं इसका। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। कहीं आपको लिखा मिलता है तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं दूसरा नाम भी लिख दे रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसका यही नाम होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसकी हिंदी निकालते हैं। प्रेजेंट तो ठीक है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब यहाँ पे है पूर्ण, पूर्ण, फिर कंटिन्यूअस का यहाँ पे है अपूर्ण। तो पूर्ण अपूर्ण क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, इसलिए इसका हिंदी नहीं निकल पाता है, इसको ऐसे ही मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के चार भेद, सिंपल प्रेजेंट हम जब पढ़ेंगे तो अब इनडेफिनिट नहीं लिखेंगे, हम खाली सिंपल लिखेंगे, आप समझते रहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखे रहेंगे, आप समझेंगे प्रोग्रेसिव भी है इम्परफेक्ट भी है। किसी बुक में प्रोग्रेसिव लिखा है तो जो पढ़ेंगे वही होगा, इम्परफेक्ट लिखा है जो पढ़ेंगे हम कंटिन्यूअस बारे में वही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से चार इसके टाइप्स हो गए प्रेजेंट टेंस के। अब ऐसे ही पास्ट, प्रेजेंट में क्या हुआ, जो अवस्था थी या जो एक्शन हुआ, एक्शन मतलब कार्य, यहाँ पे एक्शन और इवेंट लिखा है। अगर पास्ट टाइम में हो रहा है तो इस टेंस को कहते हैं पास्ट टेंस। द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स अ स्टेट, एन एक्शन और एन इवेंट that has happened in the past, मतलब कोई अवस्था चाहे कोई कार्य
जो पास्ट में हुआ है उसे उसकी सूचना मिलती है वर्ब से और उसको कहते हैं भूतकाल। भूतकाल कहते हैं, भूतकाल में क्या होगा कि वो सब पास्ट में है। आप हिंदी में पहचान तरीका जानते हैं कि था थे, सेंटेंस के अंत में होना चाहिए थी था थे थी, हिंदी में वाक्य के अंत में होना चाहिए। एनीवेज यहां देखते हैं पहले स्टेट, राम वाज एन आउटस्टैंडिंग एथलीट, राम एक बेहतरीन एथलीट था। था राम अभी नहीं है, था। हाँ तो ये हो गया, और हिंदी में ये है तो यहाँ पे होता है वाज वर हैड वी टू, ये सब होता है पास्ट टेंस में। तो फिर रीमा वर्क्ड फॉर अ बैंक, रीमा बैंक में काम करती थी, यहाँ पे थी देखिए वी टू लिखा हुआ है, बैंक में काम करती थी अभी नहीं करती है। कोमल केम फर्स्ट एग्जाम, एग्जाम में फर्स्ट आई थी, अभी नहीं है, आई थी पास्ट हो चुका है। तो जो पास्ट में हो चुका है एक्शन उसके लिए पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और एक्शन में आप स्टेट को भी शामिल कर लेंगे, अवस्था भी, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मर डॉक्टर था, कोई फॉर्मर फार्मर था, चाहे कोई एथलीट था, ये सब रहेगा पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट के चार भेद, पास्ट के भी चार भेद, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी आप ध्यान रखेंगे, यह भी ध्यान रखेंगे कि सिंपल पास्ट को पास्ट इनडेफिनिट कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद है फ्यूचर में, फ्यूचर में वही जो स्टेट है, अच्छा है जो एक्शन और इवेंट है, एक्शन और इवेंट का मतलब कार्य, ये है अगर फ्यूचर में होगा अच्छा है बाद में होगा तो इसे कहेंगे फ्यूचर टेंस। देखिए एक स्टेट का, जैसे मैं लिखा था आई एम अ टीचर, शुरू में था, फिर यहाँ पे आई वॉज अ टीचर, आई शैल बिकम अ टीचर, यहाँ पे लिखा मैंने, तो यहाँ पे आई एम अ टीचर मतलब मैं टीचर हूँ, यह प्रेजेंट हो गया। आई वॉज अ टीचर मैं टीचर था, यह पास्ट हो गया, और आई शैल बिकम अ टीचर मैं टीचर बनूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं सेंटेंस में, हिंदी में गा गे गी होता है और इंग्लिश में शैल और विल होता है सेंटेंस में जो फ्यूचर का होता है, दोनों ध्यान रखेंगे आप पहचानने के लिए। तो फ्यूचर टेंस में कोई स्टेट, जैसे कि तीनों स्टेट यहाँ पे लिख दिया है मैंने, स्टेट या एक्शन पास्ट फ्यूचर में या बाद में होना निर्धारित है तो उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे मोहित विल मेक केक, मोहित एक केक बनाएगा, बनाएगा बनाया नहीं है, बनाएगा, विल भी है, तो ये क्या हो गया फ्यूचर एक्शन। राम विल बी सैड व्हेन यू लीव, जब आप जाओगे राम सैड हो जाएगा, विराम सैड नहीं हुआ है, हो जाएगा। रीमा विल हैव गॉन बाय टुमारो, रीमा कल तक गई हो चली गई होगी, तो यहाँ पे जो ये विल है मतलब गई नहीं है, चली जाएगी। तो ये सब फ्यूचर में निर्धारित है होना, इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस के भी तीन, पार्डन चार, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार भेद फ्यूचर के भी। तो हमने अभी देखा, क्या देखा कि टेंस के तीन प्रकार, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, और इन तीनों के ही चार चार प्रकार, चार चार प्रकार में केवल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो नाम है वही उसी को चेंज करना है। प्रेजेंट का है तो सब में प्रेजेंट रहेगा, पास्ट का तो सब में पास्ट रहेगा, और फ्यूचर का तो सब में फ्यूचर रहेगा। सिंपल पहला है सिंपल प्रेजेंट, तो इधर पहला सिंपल पास्ट, दूसरा सिंपल फ्यूचर, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस और इधर फ्यूचर कंटिन्यूअस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट और इधर फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट छोड़ देंगे,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखेंगे और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, तो जो सर्कल किया हूँ ये सब का सब वैसे ही रहेगा, खाली जिस टेंस का होगा उसका नाम जुड़ जाएगा उसमें। तो आप याद रखेंगे सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जोड़ दीजिए किसी एक से याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बाकी में चेंज करते चले जाइए, सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन सिंपल फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस लेक्चर में हम तो इतना ही रखते हैं, जितने टेंस थे टेंस का डेफिनेशन, टेंस के प्रकार और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का डेफिनेशन, उनके चारों के प्रकार देखा। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, इसका डेफिनेशन देखेंगे, साथ में हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसे देखेंगे, साथ में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि जब चेंज करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा, साथ में निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इंट्रोगेटिव क्या स्ट्रक्चर रहेगा, हम पूरा अच्छा से सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अगला लेक्चर रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।